हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीमरॉन, अ फिगर ऑफ स्पीच, अ लिटरेरी डिवाइस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लिटरेचर स्टूडेंट। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीमरॉन। वॉट इज ऑक्सीमरॉन? ऑक्सीमरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। द वर्ड ऑक्सीमरॉन इज इन इटसेल्फ एन ऑक्सीमरॉन। इट कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड oxymoron, a compound of the word oxios means sharp or keen, and morons means dull or stupid. Therefore it means something akin to wise foolishness. In oxymoron, two opposite words are used together, such as plagiarist pen, original copy. These are examples of oxymoron. So क्या होता है ऑक्सीमरॉन? ऑक्सीमरॉन जो है वो लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन हम हमारी डेली लाइफ में भी ऑक्सीमरॉन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीमरॉन जो है वो एक पोएम को इंटरेस्टिंग बना देता है, और थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है। जो पोएट लिख रहा है पोएम अपनी, उसमें आप बोल सकते हैं कि उसने अगर इंटेलेक्चुअली लिखी है तो वो ऑक्सीमरॉन का यूज़ कर सकता है। अदरवाइज जो हमें ऑब्वियस है कि पोएम जो है वो तो इंटरेस्टिंग बनती ही है ऑक्सीमरॉन से, ऑक्सीमरॉन का अगर यूज़ होता है तो। और ऑक्सीमरॉन जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड ऑक्सीमरॉन से आया है, जिसका अपने आप में ही मीनिंग ऑक्सीमरॉन है। ऑक्सीमरॉन का मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ अगर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई भी पोएम पढ़ेंगे, मैंने ऑक्सीमरॉन पे वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप कोई भी पोएम पढ़ें और आपको ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो दो अपोजिट वर्ड्स और एक साथ आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसको ऑक्सीमरॉन बोलते हैं। हिंदी में ऑक्सीमरॉन है विरोधालंकार, है ना, विरोधालंकार बोलेंगे इसे शायद हिंदी में। तो ये अगर आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ी है या हिंदी में पढ़ा है तो शायद विरोधालंकार आपने पढ़ा ही होगा, तो ये वही है। इसमें दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ होते हैं। अब ऑक्सीमरॉन खुद एक वर्ड जो है वो अपने आप में ऑक्सीमरॉन है। कैसे? क्योंकि ऑक्सी का मीनिंग जो है वो है शार्प और कीन, ठीक है, और जो मोरॉन्स है उसका मतलब है डल और स्टूपिड। तो शार्प और डल अपने आप में अपोजिट्स हैं। शार्प का अपोजिट डल है, ठीक है, कीन का अपोजिट स्टूपिड है। तो ये जो है ये वर्ड अपने आप में ऑक्सीमरॉन ही, इसका जो यूज़ है लिटरेचर में वो इसलिए किया जाता है ताकि पोएम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। एंड ऑक्सीमरॉन टू अपोजिट वर्ड्स दैट यूज टुगेदर, है ना, इन ऑक्सीमरॉन में जो दो अपोजिट वर्ड्स हैं वो एक साथ यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लेजर पेन, है ना, प्लेजर पेन, प्लेजर मतलब खुशी, पेन मतलब दुख, ये एक साथ यूज़ हो रहे हैं। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है, कैसे कैसे है इसका मतलब? तो जैसे इसीलिए तो यहाँ वाइज और फुलिशनेस, वाइज बुद्धिमान, फुलिश मूर्ख। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीमरॉन है क्या। ऑक्सीमरॉन यही है जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ होते हैं। पर हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो एक साथ ही यूज़ होते हैं, एक लाइन में यूज़ हो सकते हैं। सपोज प्लेजर यहाँ लिखा है, बीच में कुछ आ जाए और पेन उसके बाद में लिखा हुआ हो, बट अगर वो एक साथ आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स एक लाइन में आ रहे हैं, इट मीन्स वहाँ ऑक्सीमरॉन का यूज़ होता है। तो फिर से एक बार देख लो, ऑक्सीमरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये जो वर्ड है ऑक्सीमरॉन, ये ग्रीक वर्ड ऑक्सीमरॉन से आया है, और इन दोनों को अगर कंबाइंड में हम इनको अगर डिवाइड करके इनका मीनिंग देखते हैं तो ऑक्सिस का मीनिंग है शार्प और कीन, और मोरॉन्स का मीन्स है डल और स्टूपिड। सो ये अपने आप में ही एक ऑक्सीमरॉन है। ये ऑक्सीमरॉन जो वर्ड है ये भी अपने आप में ऑक्सीमरॉन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो ऑक्सीमरॉन है, इन ऑक्सीमरॉन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर, सच एज प्लेजर पेन, ओरिजिनल। और ऑक्सीमरॉन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। तो ये बहुत सिंपल सी फिगर ऑफ स्पीच थी जो आपको लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी ज़रूरी थी, ताकि आप कोई भी पोएम वगैरह पढ़ें उसमें आपको पता रहे कि ऑक्सीमरॉन क्या है। एंड विश यू हैप्पी दिवाली। अब तो दिवाली वैकेशंस हैं, आप दिवाली वैकेशन को अच्छे से एंजॉय करें और आप आराम से अपने घर में जो है एकदम सेफ फेस्टिवल मनाएं दिवाली, क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक इतना है। तो विश यू हैप्पी दिवाली अगेन, और आप लोग वीडियो देखें, अपना वर्क कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे 19th of November को। तब तक दिवाली वैकेशन आप एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।